वालेकुम ग्रेड 5। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और आप सब रेडी हैं आज मेरे साथ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चैप्टर नंबर 2 HCF एंड LCM के ऊपर। सो वी हैव टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स टुगेदर। लेट्स गो टेक अ लुक। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने उनको पढ़ना है और समझना है कि HCF कैलकुलेट करेंगे या LCM और फिर अपने HCF या LCM को कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन है, 3 pieces of wood are 18 meters, 30 meters and 12 meters respectively. The carpenter wants to cut all 3 of them in equal sizes. What size should the carpenter cut them to avoid wastage? अब एक कारपेंटर है, उसके पास 3 मुख्तलिफ लकड़ियां हैं लेकिन वो उनको इक्वल साइज में काटना चाहते हैं, तो वो किस तरह से उनको काटेगा तो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा और तीनों इक्वली एक आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। उसका तरीके का ये है कि व्हेन यू हैव टू डिवाइड ऑन 3 डिफरेंट थिंग्स और वो इक्वल होनी चाहिए, आप उसका कॉमन फैक्टर तलाश करेंगे। कॉमन फैक्टर जब आपको मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको पता होगा कि किस नंबर पे वो तीनों जो हैं इतना ज्यादा डिवाइड हो सकते हैं कि बाद में बहुत ही कम वेस्टेज या बिल्कुल ही वेस्टेज ना बचे। फॉर दैट रीजन हमने करना ये है, इसका HCF कैलकुलेट करना है। 3 वैल्यूज हैं हमारे पास, 18, 30 और 12। तो आइए चल के देखें कि हम उनका HCF किस तरह कैलकुलेट करेंगे। HCF कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हमने 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर 30 के और फिर 12 के। 18 के लिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 9 = 18, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 2 * 3 * 3 जो हमने यहां पर 18 के सामने लिख लिए। देन वी टेक 30, 3 tens are 30, 2 fives are 10 and 5 ones are 5. Hamare prime factors ban gaye 2 into 3 into 5. Lastly, 2 sixes are 12, 3 twos are 6 and then 2 ones are 2. Prime factors bane 2 into 3 into 2. Common factors in mein se dekhen, sirf aur sirf 2 aur 3 common hai. Toh hum 2 into 3 multiply karenge, jaisa ki hum HCF ke liye karte hai. And our answer will be 6 meters. तो वो हर एक लकड़ी के पीस को अगर 6 मीटर्स में काटेगा तो सारे इक्वली कट हो जाएंगे इनटू 6 मीटर्स और कोई वेस्टेज नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सारा वॉशेस एवरी 9 डेज, अरीबा वॉशेस एवरी 12 डेज एंड नेहा वॉशेस एवरी 6 डेज। इफ दे डू ऑल द वॉशिंग टुगेदर टुडे, व्हेन विल दे नेक्स्ट डू द वॉशिंग टुगेदर? अब हमें पता है कि 3 डिफरेंट लोग हैं, वो अलग अलग दिनों पे अपनी वॉशिंग करते हैं, यानी अपनी जो लॉन्ड्री है, कपड़े धोने का जो काम है, वो डिफरेंट डेज पे करते हैं। सारा जो है हर 9 दिन बात करती है, अरीबा जो है हर 12 दिन बात करती है और नेहा हर 6 दिन बात करती है। तो जब हमें ये पता चल गया है, अब हमने देखना है कि आज अगर उन तीनों ने इकट्ठे कपड़े धोए हैं तो अगला वो दिन कब आएगा जब वो तीनों इकट्ठे ही कपड़े धोएंगी, क्योंकि उनका टाइम जो है वो डिफरेंट है। जब 3 मुख्तलिफ टाइम्स पे काम होना है, हमने फाइंड करना है कि कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा, कौन सा ऐसा दिन आएगा जब तीनों काम दोबारा एक ही दिन होंगे, तो उसके लिए वी विल कैलकुलेट द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। Let's go see how we're going to do that for this question. अब हमने देखना ये है कि जो 3 मुख्तलिफ दिन हैं, 6 days, 9 days और 12 days, उनका lowest common multiple क्या निकलता है? First of all, ये तीनों जो हैं 3 से divide होते हैं, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12. मैंने इनको इस तरह से prime factorize कर दिया। Next, मैं 2 से 2 और 4 को factorize करती हूँ, 2 ones are 2, 2 twos are 4. 3 से 3 को फैक्टराइज करूंगी, 3 1s are 3 एंड अल्टीमेटली 2 जो है आखिरी, उससे इस वाले 2 को फैक्टराइज करके दिस विल बिकम माय एंटायर प्राइम फैक्टराइजेशन आंसर। तो इनको फिर मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 * 3 * 2 * 2 व्हिच इज 36 डेज। सो दे विल डू वॉशिंग टुगेदर आफ्टर 36 डेज इज माय आंसर। सिंपली हमने एलसीएम कैलकुलेट किया फैक्टराइजेशन के बजाय डिवीजन के तरीके से। थर्ड आपका वर्ड प्रॉब्लम है, Aisha has 3 pieces of cloth. One is 70 centimeters, the other is 84 centimeters, and the third one is 98 centimeters. She wants to cut them equally. How wide would she cut each of them? फिर से वही बात आ गई कि उसके पास 3 अलग अलग लेंथ के कपड़े हैं, उसने सेम लेंथ इक्वल लेंथ में काटना है उन्हें, तो वो कितनी लेंथ में काटेगी? पहले क्वेश्चन में भी हमने यही करना था, 3 डिफरेंट लेंथ की चीजों को एक जितना कट करना था, तो हम उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसपे वो तीनों नंबर्स हैं डिवाइड हो सकते हैं उसको तलाश करेंगे। लेट्स गो सी हाउ विल सॉल्व द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हियर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करें या लॉन्ग डिविजन यूज करें,
नॉर्मली क्वेश्चन में आपको बता दिया जाता है कि इस क्वेश्चन को आपने लॉन्ग डिविजन से सॉल्व करना है, इसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं लॉन्ग डिविजन इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इस टॉपिक की और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो अगर हम देखें लॉन्ग डिविजन को, 98 सबसे बड़ा नंबर था, 70 सबसे छोटा नंबर था उन तीन लेंथ में से, तो मैंने उनको आपस में डिवाइड किया। 71 और 70 माइनस करने से मेरे पास आया 28, और जो पहले मेरा डिवाइजर था आपको पता है लॉन्ग डिविजन में, वो मेरा डिविडेंड बन जाता है। अब जब मैं 28 से 70 को डिवाइड करूंगी, 28 2 और 56, फिर से मैंने सबट्रैक्ट करना होगा, जवाब आएगा 14। अगला मेरा डिविडेंड होगा ये वाला डिवाइजर, तो फिर मैं 14 से 28 को डिवाइड करूंगी, 14 2 और 28 और मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। अब मेरे पास करना ये है कि मेरे पास दो नंबर्स का HCF जो है वो 14 निकल आया है, तीसरे नंबर के साथ अब मैंने इसको टेस्ट करना होगा अंटिल माय रिमाइंडर इज 0। तो मैं देखती हूँ 84 जो मेरा तीसरा नंबर है उसको 14 से डिवाइड करके, 14 6 और 84 मेरा रिमाइंडर फौरन ही 0 आ जाता है। किस डिवाइजर पे मेरा नंबर जो है वो 0 आ रहा है रिमाइंडर में? 14 पे। हेंस मेरा जवाब 14 सेंटीमीटर होगा। शी शुड कट द 14 सेंटीमीटर वाइड क्लॉथ ईच, राइट? तो उसको जो है कपड़े को 14 सेंटीमीटर की लेंथ में काटना है और उस तरह से वो सारे के सारे इक्वल पीसेस में कट कर जाएंगे। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर टेक्सटबुक एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये समझ आई होंगी, आप इनको खुद से प्रैक्टिस भी करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद चैप्टर नंबर 3। सी यू देयर देन, अल्लाह हाफिज़।